हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट आल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बीजगणित के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो आपको ये फार्मूला आना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ। अलजेब्रा फॉर्मूला यानी बीजगणित सूत्र। नंबर वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी का, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। नंबर तीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नंबर फाइव, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। नंबर सिक्स, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। मतलब कि दोस्तों, अगर आप यहाँ प्लस या यहाँ माइनस रखेंगे तो भी हमारा होगा ए स्क्वायर, ये तो हमारा पूरा प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो चाहे यहाँ पे कोई भी चिन्ह हो इतना तो प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ प्लस रखेंगे तो क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस रखेंगे तो टू ए बी, ए बी मतलब ए प्लस में है, अगर यहाँ प्लस रखेंगे तो बी प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस प्लस प्लस, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद टू बी सी, सी मतलब सी माइनस में है, और बी अगर यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर दोस्तों टू सी ए, सी ए अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पर माइनस रहेगा। उस दोस्तों मतलब कि माइनस और यहाँ माइनस यहाँ प्लस या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो पूरा आपका प्लस रहेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे
जैसे मैंने अभी बताया कि आप यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस और इसका 2bc यानी कि माइनस प्लस अब वही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। नंबर 7 पे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3। इससे आप इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 3a² b प्लस 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 3ab b² इस तरह भी आप लिख सकते हैं। हीट पर a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 प्लस है यहाँ पर, जहाँ पर दोस्तों कोई चिन्ह, अगर किसी का किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 3 a a a² बी बी रहेगा, इसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 a b b b² इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 9वें पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होगा हमारा ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², चाहे तो इसे आप पहले लिख सकते हैं, इसे बाद लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b². 11वें नंबर पर a प्लस बी का होल पावर 4 इक्वल टू ए पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b पावर 4। ग्यारहवें के बाद दोस्तों 12वां आपका है a माइनस बी का होल पावर 4, इसका होगा a पावर 4 माइनस 4a³ बी माइन प्लस 6a²b² माइनस 4ab³ प्लस b पावर 4। ये दोस्तों ये फार्मूला बनाया गया है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का पीछे मैंने लिखाया, वही दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया है, वही ये फार्मूला बना है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें। 13वें नंबर पर है a पावर 4 माइनस बी पावर 4 इक्वल टू a² माइनस b² अगले ब्रैकेट में a² प्लस b², या इसे आप तोड़ सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको आप लिख सकते हैं a² प्लस b², इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी वही पीछे से टूट के आया है, जैसे इसे हम लिख सकते हैं a² ब्रैकेट बंद, ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतना
इतने को अगर हम तोड़ेंगे तो वही वही मतलब इसको हम मान लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे बी, इसकी जगह पे ए, इसकी जगह पे बी, मतलब कि हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी तोड़ करके मतलब बनाया गया है ये फार्मूला। 14वें नंबर पर है आपका ए पावर फाइव माइनस बी पावर फाइव इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए पावर फोर प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर ब्रैकेट बंद। ये भी वहीं से बनाया है। इसमें क्या किए हैं कि a माइनस बी कामन ले लिए हैं, उसके बाद a पावर फोर माइनस बी पावर फोर का फार्मूला मैंने वहाँ यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, वही फार्मूला यहाँ पे रख दिए हैं और गुणा कर दिए हैं। चौदहवें के बाद 15वां क्वेश्चन, 15वां फार्मूला। पंद्रह फार्मूला है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में बी प्लस सी अगले ब्रैकेट में सी प्लस ए। उसके बाद आपका 16वां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी ए। 17वें पर है आपका घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ फॉर्मूला एक्स पॉइंट्स। ठीक है, जैसे इसमें पहला है एक पावर एम इंटू ए की पावर एन ब्रैकेट में है एन ऐसा दिया है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर एम प्लस एन, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर गुणा में घाते गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है ए बी का पावर एम, इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू बी की पावर यम। इसे आप कह सकते हैं कि अगर घाते अलग अलग हों तो अगर घाते नहीं मतलब अगर आधार अलग अलग हों तो घाते मतलब एक घात लिख उठता है गुणा करके। देखो आधार इसमें ए है इसमें बी है और घात इसमें समान है तो एक घात वही लिख उठेगा। जैसे एग्जांपल पर देख लीजिए, एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पर 3 की पावर दिया है 5, ठीक, और यहाँ पे दिया है आपको 6 की पावर 5 दिया है, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 त्रिक 18, 18 की पावर 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है तीसरे नंबर पर है आपका ए की पावर एम की पावर एन, इसे आप लिख सकते हैं ए की पावर एम एन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका है
18वें पर आंशिक घातांक यानी कि फ्रैक्शनल एक्स पॉइंट्स, फ्रैक्शनल एक्स पॉइंट इसमें है आपका। जैसे अगर रूट ए दिया है तो उसे आप लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। अगर है आपका क्यूब में ए, क्यूब यानी कि ऐसे अगर आपको दिया है तो एक उसे आप लिख सकते हैं 1/3। अगर आपका है रूट, अगर आपका दिया है ऐसे तो आप उसे लिख सकते हैं 1/n। अगर आपका दिया है, अगर आपका 1/0 = अगर कहीं पे है 1/0 इसको दिया है तो उसका मतलब होगा 1। ये है आपका इम्पॉर्टेंट, वेरी, ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपका हर जगह पे यूज होता है। 1/0 = 1 होता है। एक मतलब यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। और आपका है 1/n, 1-n, अगर आपको ऐसे दिया है तो उसका मतलब होता है 1/1/1/n। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।